हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ इंक्लूडिंग ओल्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये पार्ट 7 है। पार्ट 1 to 6 आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, उन वीडियोज़ को देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि यह वीडियो RRB NTPC ग्रुप डी के लिए है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% निम्न में से क्या पाया जाता है? तो 80% जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है, इसीलिए प्रोटीन की लगभग 80% मात्रा अधिकांश प्राणियों पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, DNA में मौजूद शर्करा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो DNA में जो शर्करा पाई जाती है वो है डिऑक्सी राइबोज। यदि हम बात करें जीवित कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूनतम न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, पहला है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है फ्रेंड्स राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में चार प्रकार के न्यूक्लियाइड अणु भाग लेते हैं, तब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त यानी बाइल जूस का संचय स्टोर किसमें होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लैडर में। आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं। पित्त जो निकलता है वो यकृत के द्वारा निकलता है, यानी कि लीवर के द्वारा निकलता है, लेकिन इसका जो स्टोर है फ्रेंड्स वो पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर पे होता है। पित्ताशय जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में यानी स्टमक के साइड पे ही स्थित होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है फ्रेंड्स वो है यकृत यानी लीवर, लेकिन यदि हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की तो है अवटु ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्लैंड्स भी कहते हैं। यकृत यानी जो लीवर होता है फ्रेंड्स वो 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा होता है तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का 80% निम्न में से क्या पाया जाता है? तो 80% केवल पाया जाता है फ्रेंड्स प्रोटीन। जीवित प्राणियों के पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल में पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में भी मौजूद रहता है। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे चिकन, अंडे हो गए, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सभी हमें इन सभी से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? यानी कि रक्तचाप को जो नियंत्रित करने का कार्य करती है वो करती है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड। अब ये स्थित कहाँ होता है? तो आप यहाँ पर इमेज पे देखिए, जो हमारी किडनी होती है उनके जस्ट ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स स्थित होते हैं और ये हमारे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो है यानी कि जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकालना। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट करता है, यानी कि मानव शरीर के द्वारा प्रमुख उत्पादित सबसे प्रमुख अवशिष्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए और बी दोनों, यानी कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के दो परमाणुओं तथा कार्बन के एक परमाणुओं से मिलकर होता है, जबकि यूरिया की हम बात करें तो यूरिया जो यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी विलियम हार्वे ने की थी। आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी रखना है याद। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है।
इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र है वो हमारे शरीर से रोगों की रक्षा करता है तथा शरीर का ताप एवं पीएच मान को भी स्थिरता बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो भी हम सांस लेते हैं, जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो दो प्रकार की प्रक्रिया करता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस और सेकेंड है फ्रेंड्स क्रेब्स चक्र। तो जो ग्लाइकोलिसिस है उससे अंतिम उत्पाद जो बनता है वो बनता है पाइरूविक अम्ल। पाइरूविक अम्ल बनता है, यहाँ पर हम देखेंगे यह श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूविक अम्ल के दो अणु बनते हैं और कुछ एनर्जी भी निकलती है। यदि आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी उपरोक्त सभी, यानी कि मलेरिया, पायरिया और पेचिस, तीनों बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। यदि हम बात करें कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी प्राणी एक कोशिकी होते हैं। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने सन 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं ये, और इन्होंने एक्सरे की खोज की थी 1895 में, जिसके लिए इन्हें 1901 में भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो शक्तिशाली चुंबक जो बनते हैं फ्रेंड्स, वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। देखिए यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। यदि हम चुंबक की बात करें तो चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों सिरों पर होती है। उसमें दो ध्रुव बटे होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, जो कि बहुत ही आकर्षित करते हैं दोनों ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हम जब आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला रंग दिखाई देने का कारण है फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसकी वजह से हमें आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी प्रकीर्णन की परिभाषा को भी समझना है। नेक्स्ट है, डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? डायनेमो एक प्रकार की मशीन है, इसका जो काम है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो का आविष्कार की बात करें तो माइकल फैराडे ने सन 1821 में किया था, और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यदि हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर, लेकिन यदि हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो डायनेमो, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर हमेशा अभिकेंद्रीय बल काम करता है। अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जिससे किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जबकि यदि हम अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है, हमेशा एसी वोल्टेज का उपचयन एवं अपचयन करने के लिए होता है। विद्युत परिपथ में किसी अन्य विद्युत परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ में कार्य करता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रांसफर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए हमेशा हम ट्रांसफर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो झूठ का जो यंत्र पता लगाने वाला है वो है पॉलीग्राफ।
इसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें आपसे सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में पूछा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें एनीमोग्राफ का, तो वायु की गति मापने के लिए किया जाता है और ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति ऑडियोमीटर है। सिस्मोग्राफ तो सभी को पता है कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है फ्रेंड्स वो 277 केल्विन पर होता है। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का जल घनत्व बढ़ता है लेकिन आयतन कम हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन है न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होगा। तो आप बिल्कुल याद रखना है, जब भी हम जल का घनत्व बढ़ाएंगे तो आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व जो है अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो लोहे की जो सुई होती है वो भारी होती है लेकिन फिर भी पानी पे तैरती, इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ बल जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर लेता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। यानी कि पानी की जो ऊपरी लेयर होती है उस पे तैरती है। शुद्ध जल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण निम्न में से क्या है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो इसका एक निम्न कारण है, वो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। देखिए, जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वाइट लाइट होती है, जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता दिखाई देता है, जैसे कि आप इमेजेस पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है और उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, अतः प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, पहला है कण, दूसरा है तरंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा। तो सबसे ज्यादा जो वेग होगा निम्न में से, यानी कि इन चारों ऑप्शन में जिसका वेग सर्वाधिक होगा वो है प्रकाश। यदि हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में संचालित होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की तरंगे जो निर्वात से होकर गुजर सकती है परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं करती। ध्वनि तरंगे भिन्न भिन्न माध्यमों में जो होती है, यानी कि परंतु ध्वनि की तरंगे ऐसा नहीं कर पाती, और जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है और तरंग की भी भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होती है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबा यानी कि सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है फ्रेंड्स लाल रंग का। तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की विशिष्टता है। इसे ग्रीक अक्षर यानी लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 7। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आवर्त सारणी की इमेजेस में भी देख सकते हैं, जो आवर्तों की संख्या होती है वो 7 होती है। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए तत्व होते हैं तथा आवर्त प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, यानी जल से भी हल्का निम्न में से क्या होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सोडियम। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.97। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो यानी कि मिश्र धातु नहीं है फ्रेंड्स तांबा। तांबा तत्व जो होता है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु के साथ मिलाकर निर्माण करने में होता है जबकि
पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। आप बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, बाकी जो होती है मिश्र धातुएं हैं, क्योंकि स्टील के साथ भी कई धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, ब्रॉन्ज और तांबे को भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है, तो यानी कि तांबे का मिश्र धातु का कौन सा जोड़ा है फ्रेंड्स, पीतल एवं कांसा, यानी पीतल और कांसा को मिलाकर तांबे का निर्माण किया जाता है। तांबा तत्व जो होता है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तांबे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण करने में किया जाता है, पीतल एवं कांसा इसकी मिश्र धातुएं हैं। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड निम्न में से क्या है, पेंसिल का जो लेड होता है फ्रेंड्स वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से भी मुलायम होता है। ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है और अलग अलग जगह में इसका अलग अलग तरीके से भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या सूखी बर्फ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ये द्रव में परिवर्तित नहीं होती। इसका प्रयोग हमेशा आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो क्रिस्टल नहीं है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गंधक। यदि हम बात करें गंधक की, तो नमक, चीनी, हीरा, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी पे आते हैं, लेकिन गंधक नहीं आता। गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है, तो हीरे में, ग्रेफाइट में, कोयले में या बालू में, तो जिसमें कार्बन नहीं होता फ्रेंड्स, बालू में नहीं होता। अधिकतर बालू जो है हमारे रेगिस्तान पे पाई जाती है, वहीं की मैंने एक इमेज आपके दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड की है। हीरा जो होता है फ्रेंड्स, कार्बन का क्रिस्टली अपरूप है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है 3.5 है। देखिए, आपको आपेक्षिक घनत्व भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से हीरे का आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टली अपरूप है, जो कि स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस अकार्बनिक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, काफी लोगों ने आंसर किया, तो आज आपको अपने आंसर चेक करने हैं कि आपने आंसर सही किया था कि नहीं किया था। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, संवेग का संरक्षण, यानी कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, संवेग का संरक्षण। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है आप सभी का, देखिए कल के प्रश्न का आंसर आप सभी अपना जरूर चेक करेंगे, और आज का प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि तीव्रता। तो फैदोमीटर का जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर हम इसे रिचेक करेंगे और अगले वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो एप्लीकेशन है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।